क्या मोदी को कि राहुल को? मोदी को। क्यों वोट दीजिएगा इसे? ऑफकोर्स मोदी को। क्यों? उनकी सरकार रिमोट कंट्रोल की सरकार थी। बाबा बोलिए किसको वोट दीजिएगा? मोदी को। ये महागठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है। महागठबंधन काहे के लिए इसको बोलते हैं? सपूत है, सपूत है, सपूत हम लोग को चाहिए। मोदी जीतेगा, मोदी मोदी। राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलिए, बारे में कुछ भी नहीं हम बोल सकते। लोग का सबूत दिखाना काम नहीं है, सैनिक लोग का टारगेट करना काम है। वो पागल आदमी है, इस तरह बात कर रहा है, हमको सबूत दिखाओ। वो खुद का सठियागी है, उसका नॉलेज नहीं है, उसका बैठ जाना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जी बोलते हैं कि एक तरफ से आलू डालेंगे, एक तरफ से सोना निकलेगा। बोले आलू आलू के पेड़ मर गए, उसके बाद तो थोड़ा हम लोग को निकाल के दिखा देने जो कैसा सोना होता है आलू में। हाँ, पहले आलू कैसे पैदा होता है वो किया है कभी? इस बार चुनाव में कौन जीतेगा हमारे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से? जैसे कि बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार नहीं जीतेगी। जो विकास की योजनाएं बन रही है क्या गांव तक पहुंच रही है? और पहुंच रही है तो कौन सी योजनाएं पहुंची है अभी? विकास की योजनाएं जो है गांव तक पहुंच रही है, ऐसी बात नहीं। मोदी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और सत्य है, इसको लोग झुठला नहीं सकता है। चुनाती हुई आज जो है सारी महिला के यहाँ जो है गैस जो है मिल गया है, सारे लोग गैस का उपयोग कर रहे हैं। आप देख लीजिए जो है प्रधानमंत्री आवास में जो देखिए लोग कितना अच्छे से लोग जो है घर बना रहे हैं, घर में रह रहे हैं। अभी आपका स्वच्छता अभियान जो देखिए टॉयलेट, आपका शौचालय भी जो है बहुत शौचालय जो है बन गया आज लोगों का, उससे भी जो है विकास हुआ है, बहुत सारे विकास हुआ है जो गांव गांव तक पहुंचा हुआ है। और महागठबंधन के बारे में क्या कहिएगा? ये महागठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। महागठबंधन काहे के लिए इसको बोलते हैं? ये ठगबंधन है, इन लोगों को चुनाव के समय में जो है। अच्छा, और जो बालाकोट में स्ट्राइक हुआ उस पर विपक्ष की तौर से हमला किया गया, बोले कि सबूत दिखाइए आप कितना मारे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या अरे भाई, आपसे हम पूछते हैं, आप सबूत चाहते हैं कि सपूत चाहते हैं? आप ही बताइए पहले। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? सबूत क्या चीज चाहिएगा? हम लोगों का सपूत है, सपूत है, सपूत हम लोग को चाहिए, सबूत नहीं चाहिए। आज जो सेना जो कर गुजरा, बताइए आज तक कहीं भी, इसके पहले भी और जगह एयर स्ट्राइक हुआ, कितनी जगह जो कितने देशों में जनता जो है पार्टियाँ जो है सबूत मांगती है। आपको सेना पर विश्वास नहीं है तो किस पर भी विश्वास कीजिएगा आप? किसको वोट दे रहे हैं? मोदी को। क्यों दे रहे हैं मोदी को? अभी जैसे कुछ विचार आपका ये लेते हैं तो अपने मन से ही लेते हैं, जैसे आपका नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा, आपको शौचालय मिला है? मिला है। अच्छा, उपयोग करते होंगे? हाँ करते हैं। गैस मिला? गैस नहीं मिला। मकान? मकान भी नहीं मिला। फिर भी दे रहे हैं आप? हाँ फिर भी दे रहे हैं। क्या क्या आपके विचार है, इस बार कौन जीतेगा और किसको आप वोट दीजिए? मोदी जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्यों जीतेगा, इसके पीछे यही कारण है कि मोदी जो हैं अभी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो हमको नहीं लगता है कि और भी लोग कर पाएंगे। मोदी मोदी मोदी। राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलिए, काफ़ी पॉपुलर हैं। बारे में कुछ भी नहीं हम बोल सकते हैं, हम जो चीज़ को चाहते हैं जिनको चाहते हैं उसी के बारे में मैं बोलूँ। अच्छा, राफेल के बारे में वो चिल्लाते रहते हैं। राहुल गांधी ये किया वो किया, घोटाला हो गया, उसके बारे में क्या बोलूँ? घोटाला हो गया राहुल के कहने से नहीं मानेंगे। ये तो क्या कहते, कोर्ट कह रही है कि राफेल में किसी तरह का घपला नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर तो हम उसी चीज़ को मानेंगे ना। कोर्ट हमारा सर्वोत्तम चीज़ है, न्याय दिलाने वाला संस्था है हमारे देश का, तो उस चीज़ को न मानेंगे। बताइए आप किसको वोट दीजिएगा? इस बार माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम वोट देंगे। अच्छा, क्यों दीजिएगा? वो बहुत अच्छा काम किए हैं देश क्या के लिए। अच्छा काम किया, देश क्या के अच्छा लिए लगा? हमको भारत जो चौथा स्थान में इस बार चले आए हैं, लेकिन हमसे इस काम से बहुत कुछ है। आतंकवादी लोग को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अच्छा, इसे हम बहुत खुश हैं। अच्छा, सबसे पहले देश में आतंकवादी को परास्त करेगा तभी तो हम सुरक्षित रह पाएंगे। अच्छा अच्छा, जो बालाकोट में जो स्ट्राइक हुआ था तो उसमें जो हमारे इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ पे आतंकवादियों को मारा था, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कांग्रेस वाले कि क्या सबूत है ये है, उसके बारे में क्या आप बोलेंगे? सैनिक लोग का सबूत दिखाना काम नहीं है, सैनिक लोग का टारगेट करना काम है। वो पागल आदमी है, इस तरह बात कर रहे हैं, हमको सबूत दिखाओ। अच्छा, जो विपक्ष वाला बोल रहे हैं वो पागल है। अच्छा, सैनिक का काम है टारगेट करना। हाँ, मारना, उसका मुंडी गिनना काम नहीं है कितना हमने मार के लाए हैं। अच्छा, कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह है वो बोलते हैं तो मोदी नहीं, ये पुलवामा में जो हुआ था वो करवाया। वो खुद का सठियागी है। अच्छा, उसका नॉलेज नहीं है, उसका बैठ जाना चाहिए। अच्छा, उसका राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो 60-70 साल 80 साल उम्र हो गया, उसका नहीं होना चाहिए। अच्छा, बोलिए। मेरा नाम उमेश ठाकुर।
और हम वोट करेंगे तो बीजेपी को करेंगे, ठीक है। और मोदी सरकार जो है विकास का काम बहुत किया हुआ है। कांग्रेस बोल दिया कि नोटबंदी कराया वो अपने फायदे के लिए कराई बीजेपी ने। पहली बात तो यह है कि मनमोहन सरकार 10 साल चलाया, उसमें से एक मनरेगा उसमें चला था, उसमें से विफल चला गया। 10 साल में मनमोहन सरकार क्या क्या हमको बताइए ना, एक भी बात अगर किया है कोई विकास का काम, तो कोई विकास का काम नहीं किया है मनमोहन सरकार। तो मनरेगा तो उन्होंने ही स्टार्ट किया था ना, उस तो विफल चला गया, वो तो कहाँ पर चलता है, कहीं नहीं चला, सक्सेस नहीं हुआ। हम लोग तो मनरेगा मजदूरी करके भी बेकार हो गए। अच्छा, हम लोग भी मजदूरी किए हुए हैं उसमें, मगर कोई मैंने काम में नहीं आया। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि एक तरफ से आलू डालेंगे, एक तरफ से सोना निकलेगा, बोले आलू आलू के पेड़ मर गए उसके बारे में। तो थोड़ा हम लोग को निकाल के दिखा देना जो कैसा सोना होता है आलू में। अच्छा। हाँ, पहले आलू कैसे पैदा होता है वो किया है कभी? अच्छा, पैदा करेगा तब ना समझ में आएगा। ठीक। इस तरह की और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन।